हेलो दोस्तों, ये मेरे हाथ में क्या है? ये एक कूलर की मोटर है जिसका कि मैं अभी कनेक्शन करने जा रहा हूँ। मैंने लाया था कस्टमर के घर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे कि मोटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो करते स्टार्ट। ये हमारी मोटर है जो कि अभी मैं फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये बोल्ट खोलकर, कैमरामैन आप थोड़ा नज़दीक आओ, यहाँ पर मोटर रख दें और इधर होल रह गए 1 2 3 4। तो ये होल, ये एग्जैक्ट आ चुके हैं। और इसके बाद हमें इन बोल्टों को टाइट कर देना है। एक पहले अपोजिट में करें, इसे अच्छे से पानी से कस दें। मोटर हो चुकी है अपनी जगह पर फिट, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी मोटर को छोड़ेंगे और हम इसकी मेन वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे हाथ में है वायर जो कि मेन वायर है, प्लग से जाएगा। उसको मैं अभी डालूंगा कूलर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो। और वायर को अंदर लेकर उसे मार दे गाट, ताकि हम कभी भी वायर को खींचे तो वो कनेक्शन के साथ टूट कर बाहर ना आए। ये जो कूलर के वायर हैं, इनको इस तरह टेप मार कर ला लेंगे यहाँ पर। ये देख सकते हो आप, इस तरह ये हो गया हमारा वायर। और यहाँ पर एक स्विच है जो कि स्विंग के लिए है, स्विंग मोटर के लिए है। और ये तीन वायर, इसमें इस मोटर में पूरे चार वायर होते हैं, जो कि ये ब्लू वायर है कॉमन, और ये तीन वायर है जो कि वाइट, ब्राउन और रेड। ये तीन भी स्पीड हैं, वो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। आपको बताता हूँ, स्विच, ये हमारा स्विच है यहाँ पर। आप देख सकते हो टर्मिनल 1 2 3 4 और 1 5। ये जो टर्मिनल है, यहाँ पर एक पॉजिटिव वायर लगेगा मेन वायर, और ये जो चार टर्मिनल है वहाँ पर तीन स्पीड और एक पंप का वायर लग जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये स्विच, एक स्विच डाले तो एक चालू रहा, दो डाले तो दो, तीसरा डाले तो तीसरा, लोहा मीडियम हाई। और जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तीन भी बंद हो जाएंगे, और जैसे हाई को चालू करेंगे तो चार तीन भी चालू हो जाएंगे। और ये वाला पंप का है, ये है हमारा कॉमन वायर जिसको कि मैं इस बटन पर इस तरह घुमा रहा हूँ। इसको घुमाने का मेन कारण ये है कि दोस्तों, इसके जो टर्मिनल्स है वो जंग लग कर ख़राब हो गए, तो उसके लिए वो खुल नहीं रहे, तो उसको इसी तरह से ट्विस्ट कर कर ही फिक्स करना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि दोस्तों, ये जो स्पीड के तीन वायर है, इनका जो कलर कोड है रेड, वाइट और ब्राउन, तो दोस्तों इनको पहले आप डायरेक्टली लगा के देखें, क्योंकि जब ये कुछ कुछ मोटर्स कंपनी से बनकर आते हैं ना वाइंडिंग होकर, तो इनका कलर कोड चेंज हो जाता है दोस्तों। स्पीड का जो कलर कोड होता है वो चेंज हो जाता है, और जो कॉमन का रहता है वो तो वही रहता है। तो आप एक बार देख ले, क्योंकि आप जब फिट कर दोगे फिर बाद में आपको पता चलेगा कि स्पीड 1 तो तीसरे पे चले गया और हाई स्पीड पहले पे आ गया। ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इससे अच्छा है कि आप पहले ही उसे चेक कर लो कि डायरेक्टली लगा करके स्पीड 1 कौन सा है, स्पीड 2 कौन सा है और स्पीड 3 कौन सा है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि स्पीड्स कौन सी है, तो उन्हें इस स्विच में फिट कर दें। जैसे कि मैंने मेरे तमाम पूरी स्पीड्स को फिट कर दिया हूँ, मेरा काम हो चुका है। मैंने पूरी स्पीड लाइन बाय लाइन इस वाले स्विच में लगा दिया, आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी इसके बाद हम लगाएंगे मोटर का जो मैंने बताया था ब्लू वाला वायर, तो वो वाला वायर हम लगाएंगे जो हमारा मेन वायर आ रहा है उसको, दूसरे वाले को। पहले वाले का तो हमने पूरा स्विच में दिया, और ये दूसरे वाले को हम जो कि इसमें ये दे वाटर देंगे। पंप है, इसको हम रखेंगे इस तरह और इसको लगाएंगे यहाँ पर। कैमरामैन नीचे फोकस करो, ये हमारा लग चुका है पाइप पंप वाला, और इसका वायर भी हम इस तरह ले लेंगे टेप मार कर। देख सकते हो ये भी वायर हमारा आ चुका है यहाँ पर, और ये वायर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको हम कट कर लेंगे। इसको भी सेम एक छिल कर हम कॉमन में दे देंगे, और एक और जो दूसरा है वो हम नेगेटिव में दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने जो मोटर का कॉमन वायर है उसमें दिया हूँ, और
दूसरा वाला मैं ये जो जहाँ पर स्विच बताया था आपको, पंप वाला स्विच है, उस स्विच में दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा टोटली स्विच का कनेक्शन पूरा। अभी मैं आपको स्विच को फिट कर कर सीधा मोटर चालू करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हो चुकी है हमारी वायरिंग दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये जो रेड वायर है ये है मेन वायर, और ये जो येलो वायर आपको दिख रहा है ये हमारे पंप का वायर है, और ये जो तीन वायर है वो है स्पीड, स्पीड वन, स्पीड टू और स्पीड थ्री। तो हमारी फिटिंग हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कूलर को स्टार्ट कर कर। कूलर चालू करने से पहले हम इसका जो फ़ैन है जिसको हम पर कहते हैं उसको मैं फ़िट कर लूँगा फटाफट से, और इसको फिट करने के बाद फिर हम देखेंगे टेस्ट कर कर के हमारा काम सक्सेस होता है या नहीं। नहीं की तो कोई बात हो ही नहीं सकती दोस्तों, ये काम सक्सेस होना ज़रूरी है और होएगा ही। पर तो हमारा फिट हो चुका है आप देख सकते हो, और ये जो कैपेसिटर लटक रहा है इसको भी हम थोड़ा टेप से फिक्स कर देंगे, उसी की बॉर्डर पर कूलर की टेप से इसको टाइट कर देंगे, फिर इसके बाद हम चालू करेंगे कूलर। फर्स्ट वाली स्पीड है, हवा आपको दिख रही होगी, ये हमारा कूलर फिर रहा है, इसकी फर्स्ट वाली स्पीड, और ये सेकंड स्पीड, और ये थर्ड। सो दोस्तों हमारा कूलर हो चुका है फिटिंग, यहाँ का हमने ये प्लेट भी फिट कर दिया है, आप देख सकते हो ये कूलर हो चुका है फिट, ये अब वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो अभी हम ये कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। अगर वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।